जिले में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर नकाबपोश अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि जिले में इन दिनों अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर है। तभी तो आए दिन हो या रात, अपराधी अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। साथ ही उनके कार्यशैली पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां दिन दहाड़े हथियारबंद नकाबपोश अपराधियों ने परिवार वालों को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। इस घटना में करीब एक दर्जन की संख्या में अपराधी आए थे। पहले उन्होंने घर के दरवाजे पर बैठे लोगों से बातचीत की, फिर अंदर चलने को कहा। उसके बाद दरवाजा बंद करके उनके साथ जोर जबरदस्ती की। बाद में 65,000 रुपए नगद और कीमती सामान, लाखों के जेवरात लेकर वहां से रवाना हो गए। इस पूरे घटना के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हुआ था, जितने भी सोना चांदी के सामान था सारा वो ले लिया। जाते जाते हमारा बच्चा का होता है, अंदर से फोन कर दिया तो हमारा सहयोगी भी वहां पर आ गया। लेकिन बात यही रह गया कि जैसा ही गेट लगाना शुरू किया, गेट नहीं लग पाया, चोर अंदर था, वहाँ से पिस्टन से फायरिंग कर दिया, जिसके कारण हमारा सामान भी डर गया। डर जाने के बाद में हमारा आदमी इधर उधर हो गया, उसका एक जिंदा कारतूस भी यहाँ पर गिरा हुआ था। इसके बाद में प्रशासन लोग आया, प्रशासन ले करके गया है, अभी तक तो कोई सुबह से नहीं आया है। कितना नकदी लेगा? नकदी में 65,000। क्या नाम हुआ? राम लखन यादव। मगड़ा चंडी अस्पताल। पहले गेट पर आए, फिर मम्मी पापा वहीं पर बैठे थे, तो खान ले लेते थे, तो दोनों पैसे पहले थे तो टहले थे, तो ऊपर गए छत पर, तो हम लोग भी छाते पर थे, तो कैप्चर हम लोग के कर लिए छाते पर, सब्जी छीन उन लिया और वहाँ पर था दो आदमी, और इधर ढूंढे तो सर के था, सब्जी कर रहा था क्या, और छीन लिया। मम्मी सूत्र था और सिकड़े था, नकदी भी ले गया, पैसा भी ले गया। पैसा भी ले गया। क्या नाम हुआ? सिमरन कुमारी।